वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। सूबे सिंध की मजमू सूरतहाल, कराची में विफाक के मुकम्मल और जारी तरक्याती मनसूबों पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कराची की तरक्याती ज़रूरियात का इदराक है, मसाइल के हल में किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर सिंध को तरक्याती मनसूबों की जामे मनसूबाबंदी की हिदायत। नाराज लीगी रुकने पंजाब असेंबली निशा डाहरे एक कदम और आगे जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं जल्द नाराजगी लीगी अरकान असेंबली का इजलास बुलाने पर जा रहा हूं। पूरी क़यादत खामोश, हमें इकट्ठा करने वाला कोई नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो गेट नंबर 4 की पैदावार थे। पीपल्स पार्टी मुनाजरा कर ले, जुल्फिकार अली भुट्टो सिलेक्टेड वजीर आजम थे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और वजीर रेलवे शेख रशीद का निजी यूनिवर्सिटी से खिताब, मीडिया से गुफ्तगू। बोले शहबाज शरीफ, शर्म करें, अपनी पार्टी के कहने पर ही वापस आ जाएं। आधा मार्च गुजर गया है, मौलाना फजल रहमान ने कॉल नहीं दी। चीनी चोरों का एहतसाब किया जा रहा है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला एयाज का ज़ैनब अलट बिल पर तहफ़ुज़ात का इजहार। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए किबला एयाज का कहना था कि बिल के नाम और बच्चे की तारीफ पर एतराज़ है। जिनसी ज़्यादती रोकने के लिए खुसूसी अदालतें और थाने कायम किए जाएं। औरत मार्च पर एक इल्मी और फिक्री नशिस्त का अहतमाम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से पाकिस्तान स्टील मिल के मामला पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि स्टील मिल के मुलाजमीन को नौकरी पर क्यों रखा हुआ है। मौजूदा मुलाजमीन को बैठकर खाने की आदत पड़ गई है, हुकूमत मिलकर चलाना चाहती है। तमाम मुलाजमीन फारिग करके नए लोग भर्ती करें। और गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में F-16 जंगी तैयारे को पेश आए हादसे में शहीद पायलट विंग कमांडर नुमान अकरम की नमाज़े जनाजा लाहौर में अदा। नमाज़े जनाजा अस्करी टेन में अदा की गई। नमाज़े जनाजा की मौलाना तारिक जमील ने इमामत की। एयरफोर्स समेत अस्करी इदारों के आला अफसरान की शिरकत।